के बर्थडे पार्टी हो तो सबसे मुश्किल काम होता है उनके लिए गिफ्ट डिसाइड करना। सेम सिचुएशन मेरी है, तो चले चॉकलेट लेने का सोचा है, मॉल चलकर सेलेक्ट करते हैं चॉकलेट। जी, सो आई एडवाइज यू, जब भी निकलें तो इस आयत को पढ़कर निकलें, इंशाल्लाह सब काम बहुत अच्छे से होते हैं। सो हम चल रहे हैं अभी मॉल की तरफ। ओके जी, ये थोड़ी सी एक जो है वो चॉकलेट मुझे पसंद आई है, और इसकी प्राइस यहाँ पर है 357 रुपीज़। में किसी को 3 चॉकलेट डे मुँह में मारेगा वो, तो ऐसा करते हैं 200 रुपीज़ की एक चॉकलेट, 200 रुपीज़ की एक बार खरीदते हैं और इससे बनाते हैं बहुत सारी यम्मी अमेजिंग आलमंड चॉकलेट्स। आइए चलते हैं। हमने पूछ ली और अब हम भाग रहे हैं उल्टे पाँव घर की तरफ, और अपनी ओन मेड चॉकलेट जस्ट 200 रुपीज़ के अंदर। So I am picking up this chocolate bar. फिर ये वाला चॉकलेट बार में लूँगी जो 200 रुपीज़ का पड़ेगा मेरे। ओके जी, तो ये ले लिया है हमने। अब चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं कि इससे हम कितनी सारी चॉकलेट्स बना सकते हैं। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने किचन के अंदर और अब हम फाइनली बना रहे हैं चॉकलेट। सो मैंने ये आपके सामने ये वाली सेलेक्ट की थी चॉकलेट, दिस इज डार्क चॉकलेट। फिर मैंने ये भी ले ली थी कि अगर किसी को मिल्क चॉकलेट पसंद है, लाइट पसंद है, वो डार्क पसंद नहीं करता, सो इट्स टोटली अप टू योर टेस्ट, आप जो लेना चाहें, ठीक है। इसके अलावा मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है इंसर्टिंग निडल्स और ये सिलिकॉन चॉकलेट मोल्ड्स। मेरे पास दो शेप्स हैं, हार्ट शेप एंड फ्लावर शेप। जहाँ से मैंने बाय किया है उनकी लिंक जो है वो मैं आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो क्विकली चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, फॉर मेकिंग द चॉकलेट मैंने एक पैन के अंदर जो है वो पानी गरम रख दिया है, और अब एक सिंपल बाउल को मैं इसके ऊपर रखूंगी और इसके अंदर मैं डाल दूंगी चॉकलेट। आप चाहें तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। लुक एट दिस, अनबॉक्सिंग के बाद जो ये है, ये कुकिंग चॉकलेट है मैंने इटालियनों के लिए। ये कुकिंग चॉकलेट मैंने इसलिए लिए ताकि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी मेल्ट ना। सो ये देखें, मैंने इसके अंदर चॉकलेट डाल दी है और अब हम इसको स्लो फ्लेम के ऊपर मेल्ट डाउन करेंगे। रश नहीं करना, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। जब ये कम्प्लीटली मेल्ट डाउन हो जाएगी तो फिर मैं अगेन आती हूँ और आपको बताती हूँ कि अब अगला स्टेप क्या करना है। देखें, इन द मीन वाइल ये हमारी चॉकलेट जो है वो अभी मेल्ट डाउन हो रही है। बस थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा, जब तक इसको टाइम लगता है हम अपने पाइपिंग बैग को रेडी कर लेते हैं। ओके जी, सो मैं अपना जो है वो चॉकलेट वाला मोल्ड आज यूज़ करूँगी। चॉकलेट मोल्ड मैंने यूज़ करना है। मैं अपने निडल को ओपन कर लूँगी। ओके जी, मैंने अपनी ये बड़ी वाली निडल जो है वो ले ली है। अब पाइपिंग बैग को रेडी करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। ओके, ये पाइपिंग बैग है, हमेशा ये याद रखें आप। सो ये है पाइपिंग बैग। अब पाइपिंग बैग को सेट करने की भी एक ट्रिक है, कभी भी आप पाइपिंग बैग के टिप को पहले ना कट करें, पहले अपनी निडल को इंसर्ट कर दें इन द पाइपिंग बैग। देन इसे अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद अकॉर्डिंग टू टिप की विड्थ अपने पाइपिंग बैग की टिप को कट करें, एंड देन इसको आउट थोड़ा सा और कट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा कट कीजिएगा, देन इसको आउटसाइड आप पुश करें इस तरीके से, ठीक है जी। ओके जी, तो ये चॉकलेट जो है वो मेल्ट डाउन हो गई है और अब हम अपने पाइपिंग बैग के अंदर इसको फिल कर लेते हैं। अच्छे से फिल कर लेंगे सारी की सारी चॉकलेट को। ये देखें जी, ये जो है वो इजीली
पाइप आउट हो रही है। अब हम अपने मोल्ड के अंदर इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, इजीली ये फिल हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी जगह रखनी है इसमें। ये देखिए, हम इसमें इस तरीके से फिल कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी सी स्पेस रखते जाइएगा। आई एम अगेन सेइंग, ठीक है। अब ये मैं लास्ट इसमें बना रही हूँ जो कि है 15th, और अभी भी मेरे कोन में इतना है कि आराम से 2 से 3 चॉकलेट्स और बन जाएंगी। देखें जी, अब ये आप जब फिल कर लें इनको, तो इनको थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा ताकि अंदर अगर कोई एयर बबल्स हों सो वो चले जाएं। अब मेरे पास यहाँ पर 2 आइटम्स हैं। एक मैंने लिए एलमंड्स और मैंने लिए हैं ग्राउंडेड कोकोनट। मैं इन दोनों को इसके बैक साइड पे इंसर्ट करूंगी। ये याद रखिएगा कि पहले ना डालिएगा, चॉकलेट फिल करने के बाद डालिएगा, क्योंकि आगे से डिजाइंस पे खराब होंगी। मैंने मोटी मोटी एलिमेंट्स को कट किया है, तो जो है इसके अंदर पुश कर देंगे, और जो एक्सेस अगर चॉकलेट निकल जाएगी तो उसे वाइप आउट कर देंगे। मैं आलमंड वाली थोड़ी ज्यादा बना रही हूं। अब मैं लूंगी कोकोनट और सिंपली कोकोनट को इनके ऊपर स्प्रिंकल करके हल्का सा टैप कर दूंगी। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि चॉकलेट के लेवल को कम रखिएगा ताकि ये मोल्ड से ओवर ना हो जाए। ओके जी, सो ये डन है। अब इनको लेते हैं और इनको फ्रीज करते हैं। सो चलिए मेरे साथ, अब इनको कर देते हैं फ्रीज। चलें जी, ये चला गया फ्रिज में। अब इसको 10-15 मिनट्स के बाद चेक करेंगे, ये रेडी होगा। चलें जी, इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। देखें, आपने इसको बैक से फोर्स करना है इस तरीके से, और ये आपकी चॉकलेट्स जो है वो डीमोल्ड्स इजीली होंगी। लुक एट दिस। जैसे मेरी सारी की सारी चॉकलेट्स जो है वो डीमोल्ड हो चुकी हैं। इसके बैक साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें, इनके अंदर ये भी अच्छे से स्टक हो गई हैं, और ये बहुत इजीली, आपने देखा किस तरीके से सिलिकॉन के मोल्ड से इजीली डीमोल्ड हो गई विदाउट गेटिंग एनी टेक्सचर ऑन द अपर साइड। सो कैसा लगा आप लोगों को ये आइडिया, जरूर शेयर करके मुझे बताइएगा।